नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं राम का आज प्राण प्रतिष्ठा था, और जैसा कि मोदी के द्वारा जो है वहाँ पे उद्घाटन भी हुआ और मंदिर जो है पूरी तरह से खुल गया है आम जनता के लिए भी। और जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा श्री राम का हुआ, 500 वर्षों के बाद राम अपने घर में पुनः स्थापित किए गए, अपने स्थान पर स्थापित किए, और हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी जो है मतलब जीत है, जैसे कि क्योंकि 500 सालों से उनकी आस्था जो है सिमटी हुई थी, और वहाँ पे जहाँ पे राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा किया गया वो उनका स्थान था, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी ने उसे तोड़ करके जो है खंडहर में तब्दील कर दिया था, जो कि मोदी के कर कमरों द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका फैसला आया और मंदिर भी बन के तैयार हो गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसी के उपलक्ष्य में भारत के हर गांव-गांव में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के अनुसार हर जगह जो है भंडारे का आयोजन किया गया है, जो कि सभी श्रद्धालु और भक्तगण भंडारे का प्रसाद ले रहे हैं, जो कि यह 500 सालों के बाद श्रद्धालुओं के मन में एक अलग खुशी, एक अलग तरीके का जो है श्रद्धा भाव जग गया है, जो कि पूरे भारत में यह देखने को मिल रहा है। भारत ही नहीं, लगभग देश विदेशों में जो रह रहे हिंदू लोग हैं और सनातन को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, सभी के अंदर एक हर्षोल्लास की भावनाएं उठ गई हैं और सब बिल्कुल खुश हैं। उसी के उपलक्ष्य में, उसी के आयोजन के अनुसार हर जगह भारत के हर गाँव में भंडारे का आयोजन किया गया है, जो सभी भक्तगण प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यह मंदिर है जो कि बहुत पुराना मंदिर है, इसी मंदिर पे जो है भंडारे का आयोजन किया गया है। तो ये मेन रोड है जो इलाहाबाद को जाती है सराय नाइट से होते हुए, उसी के जस्ट बगल ही है ये भंडारे का आयोजन, और काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी जनसंख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और यहीं पे आप देख सकते हैं दीप के दीप दीपावली का जो है मतलब एक उत्सव जैसा हो गया है, और दिवाली के श्री राम का नाम लिखा गया है यहाँ पे, तो अभी शाम होते ही इसे जलाया जाएगा, जो कि इसकी सुंदरता और बेहद हो जाएगी और अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों, यह जो है एक श्रद्धा की जीत है, और 500 सालों के बाद जो है राम अपने सही स्थान पे पहुँचे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर